पिछले दो हफ्ते से हो रही है सलमान खान की तलाश, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहे हैं सलमान। लेकिन स्वागत करने के लिए नहीं बल्कि समन देने के लिए। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि सलमान को 2002 के हिट एंड रन केस के लिए अब तक समन ही नहीं दिया गया है। हमारी जो पिटिशन थी कोर्ट को, उसी पे कोर्ट ने समन किया। 30 नवंबर को हमने फाइल किया था और उसी पे कोर्ट ने समन किया कि सीनियर PI बांद्रा और सलमान खान दोनों 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे वो कोर्ट में हाजिर होंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि दो दिन पहले जब हमने अपने पिटिशनर को भेजा वहाँ पे पता करने, तो ये बताया गया कि वो पुलिस ने अभी तक वो समन जो था सलमान खान को इशू ही नहीं किया था। और कोर्ट में कल होने वाली पेशी का समन सलमान को अब तक इश्यू ही नहीं किए जाने पर खड़ा हो गया है एक बड़ा बवाल। इसी दौरान मीडिया में ट्यूसडे की रात हुई एक बड़े बिजनेसमैन की उस पार्टी की तस्वीरें भी आ गई हैं, जिसमें सलमान खान की मौजूदगी तो थी ही, साथ ही साथ इस पार्टी में मुंबई पुलिस के एक आला अफसर परमिंदर सिंह भी मौजूद थे। इसी वजह से बड़े पुलिस ऑफिशियल्स और टॉप पॉलिटिशियंस पर लग रहे हैं सलमान खान को हिट एंड रन केस से बचाने के इल्जाम। पुलिस को भी 20 दिन में सलमान खान नहीं मिल रहा है, जबकि हर चैनल पे सलमान खान दबंग की प्रमोशन कर रहे हैं, बिग बॉस की रोज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो और आज भी जैसे आप पेपर में देख रहे हैं कि वो एक बिल्डर के यहाँ पार्टी कर रहे हैं जिसमें होम मिनिस्टर की बेटियाँ हैं, जिसमें IG जो बहुत सीनियर IG हैं वो भी उस पार्टी में है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है, विदित है कि बड़े लोग पॉलिटिशियंस और सीनियर IPS ऑफिसर सलमान खान को बचाना चाह रहे हैं और इसीलिए वो समन, छोटे पुलिस ऑफिसर जो हैं इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो सलमान खान को समन दे सके। फिल्म में तो सलमान दबंग है ही, सलमान पर रियल लाइफ में भी दबंग होने का इससे बड़ा इल्जाम क्या होगा? वैसे सलमान के खिलाफ पेटिशन दायर करने वाले सारे तर्क रख कर ये दावा कर रहे हैं कि सलमान खान को हिट एंड रन के केस से बचाने के लिए काफी बड़ी मुहिम चल रही है। देखिए, हमने जब शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उस वक्त भी हमने कहा था कि इस केस में, ड्रंक ड्राइविंग के केस में, हिट एंड रन में 39 प्रोसिक्यूशन विटनेस है और जिसमें इतने सालों में पुलिस सिर्फ एक या दो को ढूंढ पाई है। और हमने तभी कहा था कि पुलिस की मिलीभगत है, और जबकि नूरिया के केस में, एलिस्टर परेरा के केस में 2 साल के अंदर उनको सजा हो गई, केस ट्रायल पे आ गया, तो ऐसा क्या है कि सलमान खान का केस 10 साल से नहीं हो रहा है? और यही चीज हमने कोर्ट में मूव करी थी, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बांद्रा कोर्ट में। लेकिन सलमान खान के हिट एंड रन केस में इन सभी पॉइंट्स पर तभी गौर किया जा सकेगा जब पुलिस इस केस में अपनी कार्रवाई करेगी। पर पेटिशनर्स के एलिगेशंस में पुलिस पर बायस्ड होने का इल्जाम सबसे पहले लगा है। पुलिस फेक एविडेंस कोर्ट में ला रही है। 2 बार उसने गलत डॉक्टर्स को लाया कि जिन्होंने मेडिकल किया था, और इसने 4 साल डिले की गई प्रोसीडिंग्स। तो पुलिस को भी 20 दिन में सलमान खान नहीं मिल रहा है, जबकि हर चैनल पे सलमान खान दबंग की प्रमोशन कर रहे हैं, बिग बॉस की रोज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो और आज भी जैसे आप पेपर में देख रहे हैं कि वो एक बिल्डर के यहाँ पार्टी कर रहे हैं जिसमें होम मिनिस्टर की बेटियाँ हैं, जिसमें IG जो बहुत सीनियर IG हैं वो भी उस पार्टी में है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है, विदित है कि बड़े लोग पॉलिटिशियंस और सीनियर IPS ऑफिसर सलमान खान को बचाना चाह रहे हैं। वैसे इस मामले पर सलमान और पुलिस की तरफ से कोई बयान हमें नहीं मिला है, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि सलमान खान को 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे बांद्रा कोर्ट में हाजिर होने का समन पिछले 20 दिनों में सलमान तक नहीं पहुंच पाना खुद ये इशारा जरूर कर रहा है कि क्या मुंबई पुलिस, जो आम आदमी पर सख्ती करती है, वो कहीं चुलबुल की भक्ति में तो डूब नहीं गई। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई।